एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का रेसिपी वीडियो है सिंघाड़े के आटे की बर्फी। अभी फास्टिंग सीजन बहुत ही अच्छे से शुरू हो रहे हैं, तो जनरली उपवास में ये सिंघाड़े के आटे की बर्फी बनाई जाती है, लेकिन आम तौर पे भी आप इसे बना करके खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका बहुत ही झटपट रेसिपी वीडियो, आपको ये बहुत पसंद आएगा। कांची या फिर सिंघाड़े की बर्फी बनाने के लिए हमें सिंघाड़े के आटे को सबसे पहले रोस्ट करना है। तो मैंने एक बड़ी सी भारी तले वाली कढ़ाई ली है और उसमें मैं डाल दे रही हूँ घी। अगर आप घी पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, बट आप इसमें ऑयल का यूज़ बिल्कुल मत करिएगा, ऑयल से इसका जो टेस्ट है पूरा ख़राब हो जाएगा। तो मैंने भर के 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है और घी जैसे ही थोड़ा सा हमारा मेल्ट हो रहा है, हल्का सा गर्म हो रहा है, इसमें मैं डाल दूंगी सिंघाड़े का आटा। जो चेस्टनट फ्लावर है ये आपको ऑनलाइन किसी भी ग्रॉसरी में या फिर किसी भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन शॉप पे आराम से मिल जाता है, हर सीजन में ये मिल जाता है। ये मिठाई आप किसी भी त्यौहार पे किसी भी दिन बना करके खा सकते हैं, कोई प्रॉपर ओकेजन नहीं चाहिए इसको बनाकर खाने के लिए। तो आटे को हम ड्राई रोस्ट ही अच्छे से कर रहे हैं। आपको इसे हल्का सा सुनहरा कलर आने तक या फिर अच्छी सी खुशबू आने तक भूनना है और आप इसे लगातार चलाएंगे। अगर आप लगातार नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं और ये जल भी सकता है। तो अब चलिए फटाफट इसे भून लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आटे का कलर हमारा चेंज हो गया है, पहले हल्का वाइटिश था, हल्का सा ब्राउनिश हो गया है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वीडियो में आप स्मेल तो नहीं कर सकते हैं बट आप कलर देख सकते हैं। तो अब मैं आटे को एक प्लेट में निकाल दी हूँ ताकि अब ये थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो जाए। जब तक आटा ठंडा हो रहा है हम इसके लिए मिठास वाला पानी बनाएंगे। मैंने यहाँ पे गुड़ का यूज़ किया है, आप चाहें तो शक्कर का यूज़ करके भी सिंघाड़े के आटे की बर्फी बना सकते हैं। 2 कटोरी आटा मैंने लिया है, तो यहाँ पर 8 से 10 कटोरी पानी हमें यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी बर्फी बनानी है तो ये पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा। जैसे जैसे हम इसे आटे के साथ मिक्स करेंगे, आटा बहुत सारा पानी अब्जॉर्व करता है, तो ये सारा पानी अच्छे से घुल जाएगा। तो अब देखिए पानी डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गुड़। लगभग 3 कटोरी गुड़ आपको इसमें लग जाएगा, क्योंकि गुड़ ज़्यादा मीठा नहीं होता है, इसीलिए इसमें हम 3 कटोरी गुड़ ऐड कर रहे हैं। गुड़ को मैंने ऐसे पीसेस में कट कर लिया है और फिर मैंने मेज़र किया है। आप अगर ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में नाप करते हैं तो आपको 4 से 5 जो बड़े वाले पीसेस आते हैं वो लग सकते हैं। अब गुड़ को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो गुड़ में सारा कचरा होता है वो ऊपर तैर करके आ गया है। अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। जैसे ही आपका गुड़ पानी में मिक्स होता है आप इस पानी को एक बार छान लीजिए, उसके बाद हम सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो ये लीजिए आटा हमारा ठंडा हो चुका है, पानी भी मैंने अच्छे से गुड़ वाला छान लिया है। अब जिस पानी में हमने गुड़ मिक्स किया है उसी पानी को हम इसमें धीरे धीरे करके ऐड करते जाएंगे। हमारा पानी गर्म है तो आप यहाँ पे बहुत ही फटाफट अपने हाथों को चलाइएगा। आप इसे मिक्स करने के लिए फोक या फिर विस्कर का यूज़ करें, जिससे कि हमारे आटे में बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आपके इस आटे के मिक्सर में बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बर्फी में अभी ये लम्स पड़ जाते हैं तो उसे बाद में तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। जितने भी पानी की आपको आवश्यकता हो रही है धीरे धीरे करके पानी डालें और अच्छे से इसका इस तरीके से बैटर बनाएं। तो ये देखिए आटे का बैटर बहुत अच्छे से बन चुका है। अब ये सारा मिक्सचर हमारा जाएगा बाकी के गुड़ वाले मिक्सचर में, क्योंकि अभी हमने सारा पानी यूज़ नहीं किया है, बाकी का पानी अभी हमारा कढ़ाई में ही अच्छे से डला हुआ है। ये पानी मैंने छान लिया है, गुड़ मिक्स करने के बाद पानी को छान करके ही यूज़ करें। आटे का मिक्सर और गुड़ पानी का मिक्सर सब कुछ मैंने एक साथ मिक्स कर दिया है। अब गैस के हाई फ्लेम पे इसे कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि इसकी अब जो पकने की स्टेज है वो धीरे धीरे गाढ़ी होती जाएगी और हमारा सिंघाड़े का आटा बर्फी का रूप लेने लग जाएगा। और अगर अब आप यहाँ पे ढिलाई करते हैं, आप धीरे धीरे चलाएंगे तो आपके मिक्सर में पक्के से गुठलियाँ पड़ जाएंगी और फिर आपकी मिठाई में बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा खाने में। तो ये देखिए मैंने इसे कंटिन्यू चलाया है और आप देख सकते हैं कि मिक्सर बहुत अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। आपका मिश्रण जब गाढ़ा होने लग जाएगा तब आप किसी भी प्लेट या थाली, जिस भी बर्तन में आप बर्फी को सेट करना चाहते हैं, उसमें घी लगा के सेट कर लीजिएगा। तो ये लीजिए हमारा जो बर्फी का मिश्रण है अच्छे से पक चुका है, ये कढ़ाई को बिल्कुल साइड्स में छोड़ने लग गया है। इसे टेस्ट कैसे करना है, बर्फी जम जाएगी या नहीं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले इसमें हम ऐड कर देते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में लिए हैं थोड़े से काजू बादाम जिन्हें क्रश करके डाल रही हूँ, और जाएगा थोड़ा सा सूखा नारियल। सूखा नारियल आप थोड़ा बचा ले, आखिर में डेकोरेट करने के भी काम आएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर और पकाएंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब थोड़ा सा पोर्शन हम एक प्लेट में डाल देंगे और इसे थोड़ा देर ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि बड़ी ही आसानी से इसकी पपड़ी निकल रही है, मतलब अब हमारी जो बर्फी है बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी।
तो चलिए अब ये सारा बैटर हम ट्रांसफर कर देंगे अपनी ग्रीस की हुई प्लेट में। बहुत सावधानी से काम करें क्योंकि ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अगर आपके पास कोई हेल्प है तो आप उनकी हेल्प ज़रूर ले लें। अगर आप अकेले ये काम कर रहे हैं तो बड़ी सावधानी से इस काम को करें। पहले चम्मच की हेल्प से या फिर पूरी कढ़ाई को उठा करके भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिक्सर को थाली या प्लेट में डालने के बाद इसे फ्लैट करना है, तो फ्लैट करने के लिए आप चाहें तो इसी चम्मच से कर सकते हैं या फिर दूसरे स्पून ले लें जिसमें आप पीछे तरफ घी लगा लें और उसकी मदद से आप इसे पूरा फ्लैट कर सकते हैं। अब ये जाएगा ठंडा होने के लिए। इसे आपको काउंटर टॉप पर ही रखना है, आधे घंटे में ही ये बड़े आराम से सेट हो जाता है। फिर हम इसके पीसेस कट कर लेंगे और आप इसे खा सकते हैं। वैसे तो ये उपवास के टाइम पर ही बनाया जाता है, अभी जन्माष्टमी का फास्ट आ रहा है, बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो उपवास के टाइम पे आप ज़रूर से इसे बना करके खा सकते हैं। अगर आपको उपवास के टाइम पे नहीं खाना है, कभी और भी आपको खाने का मन करता है, तो भी आप इसे आम दिनों में बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सिंघाड़े के आटे की बर्फी की रेसिपी कैसी लगी है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।